आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क कार्यों के आधार पर, यानी कि नेटवर्क का जो कार्य है, कार्यों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार हैं इनके, सर्वर, पीयर एंड हाइब्रिड नेटवर्क। सर्वर नेटवर्क की चर्चा हम करेंगे पहले। यह नेटवर्क पर, यानी कि नेटवर्क पर सर्वर की उपस्थिति, सर्वर है कि नहीं है उसको प्रदर्शित करता है, जिसके कारण नेटवर्क को सुरक्षा मिलती है। सर्वर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर दोनों होते हैं, सर्वर भी होता है क्लाइंट भी होता है। क्लाइंट का कार्य है फाइल को स्टोर करना, फाइल को प्रिंट करना, तथा सर्वर इन कार्यों को ग्रहण करके विभिन्न सेवाएं क्लाइंट तक पहुंचाता है। देखो इसका दिया भी हुआ है, इसका दिया है यहाँ पे। ये आपका सर्वर हो गया और सर्वर के पास में ये आपके नोड हो गए, नोड समझ लो या फिर क्लाइंट समझ लो। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि सर्वर के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सर्वर से सेवाओं के लिए निवेदन, यानी कि एक एरो आता हुआ दिख रहा है, एक एरो जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो सर्वर से सेवाएं जा रही हैं वो सर्वर ने प्रदान किया दूसरे को, और जो अलग अलग कंप्यूटर हैं वो लोग सर्वर से कुछ इच्छा, कुछ मांग रहे हैं, यानी कि कुछ डिमांड है, उनको कुछ सेवा चाहिए, तो उनके लिए ये एरो बना हुआ है, इस तरह का एरो। और सर्वर जो ऑर्डर करेगा, सर्वर जो सेवा प्रदान करेगा, वो इस तरह का एरो है। तो ये सर्वर की सेवाएं हैं, सर्वर किस प्रकार से कार्य करता है। उसमें अगला आता है पीयर नेटवर्क। पीयर नेटवर्क क्या है? पीयर नेटवर्क के अंतर्गत सर्वर नहीं होते। सर्वर नहीं होते का मतलब ये नहीं है कि विदाउट सर्वर वर्क होता है, होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, परंतु यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार डिस्क स्पेस तथा अन्य रिसोर्सेस जैसे प्रिंटर, मॉडम आदि का साझा प्रयोग कर सकता है। सर्वर होता नहीं है, मगर एक सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा इन सब चीज़ों का वो एक सामूहिक प्रयोग कर सकता है। पीयर नेटवर्क संगठित वर्क ग्रुप में होता है। जो पीयर नेटवर्क होता है उसका जो वर्क ग्रुप होता है वो यूनाइटेड होता है। वर्क ग्रुप की जो सुरक्षा नीति, यानी कि जो नेटवर्क्स हैं वो सुरक्षित रहें, वो बहुत छोटी है। ध्यान देना है, इसकी सुरक्षा नीति बहुत छोटी होती है। इसके अंतर्गत कोई भी सेंट्रल लॉगिन प्रक्रिया नहीं होती। इस नेटवर्क में किसी भी पीयर पर लॉगिन करके कार्य किया जा सकता है, रिसोर्सेस का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपके यहाँ चित्र में दे रखा है, ये सर्वर है, कह तो रहा है कि इसमें सर्वर नहीं होगा, फिर भी सर्वर होगा, प्रोसेस वही होगा, ये जो क्लाइंट हैं सेवाएँ लेंगे और ये सेवाएँ इधर से देता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है और यहाँ भी होगा। और ये लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से किसी भी अप्लायंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो ये वर्क होता है पीयर नेटवर्क का। उसमें अगला आता है हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या है? हाइब्रिड नेटवर्क के अंतर्गत तीन प्रकार की ऑपरेटिंग होती है, तीन प्रकार के कार्य, सर्वर का होता है, क्लाइंट का होता है और पीयर का होता है। सर्वर का होगा, क्लाइंट का होगा और पीयर नेटवर्क का होता है। यानी कि हाइब्रिड का अर्थ ही होता है कि तीनों को मिलाकर के बनाया हुआ, यानी कि मिक्स नेटवर्क। इसमें एक्टिव डोमेन तथा वर्क ग्रुप्स होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं। अब बात हम करते हैं टोपोलॉजी की। पिछले क्लास में, आठवीं कक्षा में आप लोग टोपोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे, और इसके पहले भी एक बार चर्चा की जा चुकी है टोपोलॉजी है क्या। तो नेटवर्किंग की व्यवस्था ही टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी से अभिप्राय उस भौगोलिक, यानी कि जियोग्राफिकल व्यवस्था से या फिर फिजिकल व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत नेटवर्क में, जिसके अंतर्गत नेटवर्क में उपस्थित विभिन्न कंप्यूटर्स एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। यानी कि टोपोलॉजी एक व्यवस्था है जिसके द्वारा कंप्यूटरों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। टोपोलॉजी द्वारा विभिन्न कंप्यूटर्स के मध्य कम्युनिकेशन का मार्ग निर्धारित किया जाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, कैसे होगा। अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हो तो कनेक्शन बनाने की तकनीकी को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि 200 कंप्यूटर हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ना हो तो जिस टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी।
नेटवर्क में सही टोपोलॉजी को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी टोपोलॉजी सही है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। और नेटवर्क के संभावित अनेक टोपोलॉजी हो सकती हैं, इनमें कुछ का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है तो वास्तव में 5 टोपोलॉजीज हैं, मगर यहाँ पे कुछ का वर्णन जैसे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस का मतलब होता है वायर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन छोटी हो, सामान्य हो, अल्पकालीन हो। यह एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। इस नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सभी कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है। एक ही कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग, एक ही तार का प्रयोग सभी लोग करेंगे, उसी पर सभी लोग करेंगे। जैसे आपके घर में एक वायर दौड़ा हो, आपके गांव में एक वायर दौड़ा होगा बिजली के लिए, और सभी लोग क्या करते हैं, उसी से कनेक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर से सबके लिए अलग अलग वायर आया हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल्स का प्रयोग करने से पहले, ये ध्यान देना है, कोई भी कंप्यूटर चैनल, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल यदि यूज़ करना चाहता है उस वायर का, उस बस का, तो उसे इस बात की पुष्टि करनी होती है कि कम्युनिकेशन चैनल कहीं व्यस्त तो नहीं है। यदि ये लाइन व्यस्त है, जैसे नेटवर्क यदि व्यस्त है तो मैसेज नहीं जाएगा, यानी कि चैनल्स व्यस्त हैं तो मैसेज आपका ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। जैसे ही चैनल उपलब्ध होगा, यानी कि जैसे ही रास्ता खाली रहेगा, कंप्यूटर अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। चैनल पर प्रसारित प्रत्येक मैसेज के लिए नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर यह जांच करता है कि मैसेज दिया गया पता, यानी कि मैसेज भेजने के लिए जो आपने पता दिया है, उसका स्वयं का है अथवा नहीं, यानी कि सही है कि नहीं है। इस प्रकार सही है तो मैसेज गंतव्य तक जाता है, और सही नहीं रहता तो मैसेज फिर रिटर्न हो जाता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन की इस विधि को, यानी कि प्रॉपरली मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही है कि नहीं है, इस विधि को मल्टी पॉइंट यानी कि मल्टी ड्रॉप नेटवर्क भी कहते हैं। मुख्य केबल और पीसी नोड के मध्य, पीसी नोड का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स, आप देख रहे हो ये एक पीसी है, ये एक पीसी, ये एक पीसी है, नोड क्यों कह रहा है, ये कंप्यूटर है, क्लाइंट भी कह सकता है, इसके मध्य केबल को ड्रॉप केबल कहते हैं। इसके मध्य ये जो केबल है इसको ड्रॉप केबल कहा जाता है। बस टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां कम्युनिकेशन तो उच्च गति की हो मगर क्षेत्र सीमित रहता है। कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, उच्च गति की होनी चाहिए, क्षेत्र सीमित रहता है। यह टोपोलॉजी अत्यधिक प्रचलित है क्योंकि इनकी लागत कम होती है। इनमें नए नोड जोड़ना बहुत आसान होता है। वायर को बढ़ा दो, जैसे मान लो कि वायर को थोड़ा बढ़ा दो और यहाँ पर एक नया कंप्यूटर जोड़ दो, तो नए नोड जोड़ना इसमें आसान होता है। यह टोपोलॉजी अत्यधिक प्रचलित है, नए नोड जोड़ सकते हो। और किसी भी कंप्यूटर के खराब होने की स्थिति में नेटवर्क के प्रभाव, जैसे मान लो कि आपका ये कंप्यूटर, ये जो बीच वाला कंप्यूटर, ये खराब हो जाए और मैसेज आप इससे यहाँ भेजना चाहते हो, आसानी से भेज सकते हो, बहुत ही आसानी से मैसेज आ जाएगा ये खराब है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। बस टोपोलॉजी का दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है, अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में, यदि ये बहुत बिजी है ये लाइन, तो ट्रैफिक की स्थिति में बस टोपोलॉजी का कार्य कठिन हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि एक समय में केवल एक कंप्यूटर का मैसेज ही ब्रॉडकास्ट हो सकता है। यानी कि मैसेज जाना है या तो केवल इससे जाएगा, ये भेजा तो इससे जाएगा, ये भेजा तो इससे जाएगा, एक लाइन पे केवल एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है, तथा उतने समय के लिए अन्य कंप्यूटर्स को रुकना पड़ेगा। ये भेजेगा तो ये दोनों लोग रुकेंगे, ये भेजता है तो ये दोनों लोग रुकेंगे, ये प्रोसेस होता है बस टोपोलॉजी का। अतः बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स भली भांति सामंजस्य में नहीं रहते कि कौन कब भेजेगा, ऐसा नहीं रहता है। कोई कभी भेज देगा, बाकी ऑटोमेटिक रुकेंगे, मजबूरी है क्योंकि उनका मैसेज ट्रांसफ़र होगा नहीं। इसके अतिरिक्त इस टोपोलॉजी में केबल की खराबी उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं दो कंप्यूटर्स के मध्य कार्य में त्रुटि आने पर नेटवर्किंग नष्ट हो जाए। जैसे मान लो ये केबल ही खराब हो जाए तो कहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ तक मैसेज आकर रुक जाए, यहाँ पर केबल खराब हो जाए, इनको मैसेज करना तो कहाँ जाएगा मैसेज, नहीं जाएगा। यानी यदि केबल खराब हो जाए फिर भी मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और नेटवर्किंग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क का कार्य बंद करना पड़ सकता है। तो ये नेटवर्क्स के प्रकार थे। टोपोलॉजी का पहला बस टोपोलॉजी था। अगली टोपोलॉजी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 पेज का वीडियो है, उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा, जो नहीं आएगा वो आप लोग पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।